बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। टेरी में काफी अधिक सर्दी पड़ती थी, परंतु श्री परमहंस दयाल जी केवल एक मलमल का चोला ही पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी सन 1915 को आपके पवित्र शरीर के दाहिने भाग पर फालिज गिरा। बन्नू, कोहाट और कई स्थानों से डॉक्टर तथा हकीम बुलाए गए और चिकित्सा शुरू हो गई, परंतु कोई विशेष आराम न आया। आप पलंग पर लेटे रहते थे, लोग बारी बारी आकर सेवा करते थे। उन दिनों टेरी में याकी पठान आकर काफी डाका डालते थे। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से स्थिति में बहुत सुधार हुआ। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं यह वचन फरमाए, लोगों ने समझ रखा है कि हम बीमार हैं, परंतु वे भला इस रहस्य को क्या जाने। टेरी का संकट हमने अपने ऊपर ले रखा है। सत्य है, महापुरुषों के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। हुजूर दाता दयाल जी के इस अद्भुत रोग के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। भला उनको यह तकलीफ क्यों हुई, यह सवाल दिलों में उठ सकता है, किंतु इस राज पर से भी पर्दा उठ गया। टेरी के दो तहसीलदार थे, एक मालगुजारी विभाग का और दूसरा अंग्रेजों के राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त अरबाब अजब खान टेरी का दूसरा तहसीलदार था। वह बहुत ही धर्मांध मतसबी मुसलमान था। टेरी के नवाब साहिब श्री परमहंस जी को सलाम करने आते जाते तो उसे बहुत महसूस होता था। पीर हदायतुल्ला शाह साहिब श्री परमहंस दयाल जी के पास आते तो भी उसे बहुत तकलीफ होती थी। हाफिज अब्दुल करीम साहिब रावलपिंडी से पीर शाह चिराग के गद्दी नशीन हुजूर को सलाम करने आते तो भी उसे बहुत दुख होता था। वह प्रचार किया करता था कि आप लोग इस हिंदू फकीर के पास किस लिए आते हो। वह श्री परमहंस दयाल जी के विरुद्ध प्रचार किया करता। नौशहरा में एक मशहूर सूफी फकीर थे, बाबा नूरगुल। अरबाब अजब खान उनका मुरीद था। एक बार वह उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, बाबा मैंने छुट्टी ले ली है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हज करने जाता हूँ। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने फरमाया, जरूर हज करो। हज से फारिग होकर बगदाद चले जाना, वहाँ एक जंगल में इस हुलिये के एक फकीर मिलेंगे। वे इस समय गौस उल आजम हैं। मुसलमानों के विश्वासानुसार हर शताब्दी में भारत में एक कुतुब रहता है और मध्य पूर्व में एक गौस उल आजम। बाबा नूरगुल बोले, गौस उल आजम से इजाजत ले ली है, आप उनके दर्शन करना, अपना भी सलाम करना, हमारा भी सलाम बोलना। अरबाब अजब खान हज करके बगदाद पहुंचे, गौस उल आजम से मिले। उन्होंने फरमाया, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमने किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, अच्छा किया आप आ गए। अरबाब अजब खान ने दर्शन किए, सलाम किया और बाबा साहिब का भी सलाम बोला। गौस साहिब बोले, अरबाब साहिब हम आपकी क्या खिदमत करें, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, दर्शन ही दर्शन हैं, दीदार ही दीदार हैं। अरबाब ने अर्ज की, आप इतने बड़े गौस होकर मुझे दुआ नहीं दे सकते। उन्होंने फरमाया, हम दुआ तो सबको देते हैं, पर यह बेफायदा है, क्योंकि तुम हमारी प्रजा नहीं हो, अपने शहनशाह से दुआ लो, तुम्हारा शहनशाह तुम्हें दुआ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। असल में तुम्हारे मुर्शिद को भी पता नहीं कि इस समय हिंदुस्तान में शाह-ए-विलायत कौन है। अरबाब ने हैरानी से पूछा, हुजूर
फिर बताइए शाहे विलायत कौन है। गौस साहिब बोले, तुम समुद्र के किनारे बैठे हुए भी प्यासे हो। परमहंस अद्वैतानंद जी इस समय भारत के शाहे विलायत हैं, वही तुझ पर कृपा कर सकते हैं। तुम पास बैठे हुए भी हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हो। वहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई भी फकीर न हिंदू है न मुसलमान, फकीर अहले अल्लाह बोलता है। अरबाब ने कहा, उन्हें तो इस समय फालिज है, अधरंग है, उनका तो इलाज चल रहा है। वे इतने बड़े महापुरुष हैं, फिर अपने को ठीक क्यों नहीं कर लेते। गौस साहिब ने फरमाया, तुम्हें क्या पता कि उन्हें फालिज वगैरह कुछ नहीं। इस समय जो बड़ी लड़ाई यानी विश्व युद्ध हो रहा है सन 1914 का, उसमें महाराज श्री परमहंस दयाल जी ने अपना आधा शरीर दे रखा है। दो फकीर और हैं जिन्होंने अपने शरीर का बायां हिस्सा दे रखा है और परमहंस जी ने दायां। वे अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। यह ईश्वरीय फरमान है कि यह लड़ाई अंग्रेज जीतेंगे। अरबाब अजब खान ने अर्ज की, जी मैं लिख लूं? उन्होंने फरमाया, जरूर लिख लो, जो सच्चाई है वह तो सच्चाई ही है। अरबाब अजब खान टेरी लौटा, अंग्रेजों के प्रतिनिधि को सारी बात सुनाई। उसने कहा कि परमहंस जी के पास प्रसाद लेकर जाओ। अरबाब अजब खान पंचायत लेकर टेरी में आया। श्री परमहंस दयाल जी उस समय पलंग पर लेटे हुए थे। अरबाब ने सलाम किया। परमहंस दयाल जी ने पूछा, हज कर आए? चलो अच्छा हुआ। अरबाब ने अर्ज की, हाँ महाराज, आप तो गौस उल आजम से भी मिलकर आए हैं। परमहंस जी ने सवाल किया, हाँ महाराज, मेरे मुर्शिद ने कहा था कि उन्हें सलाम करके आना। परमहंस जी ने पूछा, क्या कहा था गौस साहिब ने? उसने सारी बात कह सुनाई, साथ ही पूछा कि हुजूर, क्या यह ठीक है कि आपका आधा शरीर लड़ रहा है? परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, तो क्या गौस उल आजम भी गलत कहेंगे? गौस उल आजम जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। इतने शब्द कहकर हुजूर परमहंस दयाल जी पलंग से उठे और अपनी पहले जैसी तेज चाल से उस दालान में टहलने लगे और फिर फरमाया, कहाँ है वह फालिस? ये अद्भुत दृश्य सभी ने देखा, सैकड़ों श्रद्धालु वहां मौजूद थे। टेरी से आप 13 अक्टूबर सन 1915 को आगरा पधारे, फिर 8 जून सन 1916 को आप जयपुर गए। जयपुर से बहुत से टेरी निवासी प्रेमी आपको लेने के लिए आ गए। तब आप कोहाट पधारे, कोहाट से आप टेरी आए। उन्हीं दिनों भक्त साहिब चंद जी ने आरती और स्तोत्र आपको भेंट किए। जयकारा बोलते रहे श्री गुरु महाराज।